गाइस थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग बैक कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे मेरा नाम है सुनील अधिकारी चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको भी पॉलिटिकल साइंस लाइन में अपना कैरियर बनाना है फ्यूचर में हो सकता है आपको मिनिस्टर बनना है पॉलिटिकल लाइन में अपना कैरियर बनाना है या फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में अपना कैरियर बनाना है आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं अपनी इंडियन इकोनॉमी को सुधारने के लिए ग्रास रूट लेवल पे आप काम करना चाहते हो उन सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट और बच्चों के लिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीए पॉलिटिकल साइंस कैरियर के बारे में ए टू जेड पूरा हम डिस्कशन करेंगे सो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट राइट right? हमेशा की तरह बिल्कुल बेसिक और बिगिनिंग लेवल से हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय बीए पॉलिटिकल साइंस मतलब क्या होता है देखिए बी ए पोलिटिकल साइंस रिवॉल्व अराउंड द वेरियस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स राइट देखिए अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या होता है हम क्या पढ़ते हैं सो मैं आपको थोड़ा सा बिहाइंड लेने लेके जाऊंगा बैक लेके जाऊंगा जहां पर आपने नाइन्थ और टेंथ में एस एस टी पढ़ी थी सोशल साइंस पढ़ी थी और वहां पर आपका एक सुंदर सा सब्जेक्ट था मतलब एस एस टी के अंदर ही पॉलिटिकल साइंस जिसको आप पॉलिटी बोलते हैं उसमें आपने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं एडवांस लेवल पे आपको आगे जाके ट्वेल्थ के बाद पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में पढ़ाए जाते हैं चाहे वो आ, किसी भी एक स्टेट का कल्चर हो राइट मशीनरी हो कैसे वो वर्क करती है इलेक्शंस वगैरह हों राइट right? और जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड फंडे होते हैं राइट right? पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी आ, टर्म्स होती हैं वो सब कुछ एडवांस लेवल पे आपको पढ़ाई जाती है सो इन केस सिंपल सा तरीका है ये जानने का कि आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं सो so आपको खुद से पूछना है क्या मुझे एस में इंटरेस्ट था क्या मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट आता था अगर जवाब हाँ में है तो यह कैरियर आपके लिए बिल्कुल हो सकता है सूट कर सकता है आपको द कोर्स एज अ होल टच इज़ द वेरियस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इकोनॉमिक्स सोशोलॉजी इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नमेंट या ग्लोबल पॉलिटिक्स इसको बोल सकते हैं साइकोलॉजी देखिए जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की मशीनरी फंक्शनिंग वगैरह के जुड़ी बातें आपको पढ़ाई जाती है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इकोनॉमी कैसे वर्क करती है डिमांड क्या होता है सप्लाई क्या होती है नेशनल इनकम क्या होती है सेंट्रल बैंक कैसे वर्क करते हैं ये सारी चीजें होती है सोशोलॉजी होता है एक पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे इंटरक्ट करता है कैसे हम जो अपनी स्पोकन इंग्लिश है कम्युनिकेशन है जो हमारा इंटरेक्शन जो है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कैसे जो लोग हैं आपस में तालमेल कर कर अ, कर कोऑर्डिनेट कर वर्क करते हैं राइट right? जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है सब एक दूसरे पे डिपेंड करता है इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए कैसे हमें इफेक्टिवली रिलेशन मेंटेन रखने हैं विद अ नेबरिंग कंट्री ग्लोबल पॉलिटिक्स हो गई राइट ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है ये सारी चीज़ों में अगर आप इंटरेस्टेड हैं साइकोलॉजी जैसे राइट ह्यूमन आस्पेक्ट जो है ह्यूमन माइंड कैसे वर्क कर रहा है ये सारी कॉन्सेप्ट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं दिस माइट बी अ ब्रिलियंट कैरियर फॉर यू राइट चलिए बच्चों गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं द कोर्स गिव्स एन आइडिया अबाउट हाउ अ गवर्नमेंट फंक्शन एंड टीचर्स हाउ टू इंटरप्रिटेट एंड एनालाइज पॉलिटिकल सिस्टम देखिए ये कोर्स जो है आपको बताता है आइडिया देता है कि गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है और आपको टीच करता है हाउ टू इंटरप्रिटेट एनालाइज़ पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम हम क्या समझे सेंटर में जो गवर्नमेंट है जो अपोजिशन पार्टी है कैसे फॉर्म होती है कैसे वो वर्क करती है कैसे वो डिसीज़न लिए जाते हैं कैसे लॉज बनते हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाती हैं जैसे जैसे आप इस कोर्स में डीपली एंगेज होते हैं स्टडी करते हैं राइट दिस कोर्स इज आइडियल आइडियल मतलब बेस्ट सूट करता है उन बच्चों को दोज हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड इन लर्निंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव आस्पेक्ट ऑफ अ कंट्री जिन बच्चों को भी पॉलिटिकल लाइन में इंटरेस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में इंटरेस्ट है उनके लिए ये कोर्स सबसे ज़्यादा सूट करता है द कोर्स एज अ होल रिवॉल्व अराउंड द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट इट हेल्प द स्टूडेंट डिस्कवर द असेंशियल डिसीजन मेकिंग पार्ट ऑफ अ सोसाइटी एंड द सोशल इकोनॉमिक एंड अदर इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस दैट इन्फ्लुएंस दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जितने भी बड़े लेवल पर डिसीजन होते हैं है ना जो हमारे प्रेसिडेंट डिसीजन लेते हैं प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं पी एम ओ ऑफिस जो मीटिंग uh, कंडक्ट कर करता है उसके पर्पस क्या है बिहाइंड वाइल मेकिंग डिसीज़न कैसे वो डिसीजन फ्रेम होते हैं क्या उनका इंप्लीकेशन वगैरह होता है कैसे वो डिसीजन किन लोगों पे लिए जाते हैं वो सारी चीजें की फंक्शनिंग वगैरह आपको समझाई जाती है या इस कोर्स के थ्रू आपको समझ में आती है राइट द कोर्स इज अ ब्लेसिंग फॉर द स्टूडेंट हुए क्रैक द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन द कोर्स हेल्प दैम कवर अ मेजर पार्ट ऑफ द एंट्रेंस सिलेबस यू पी एस सी वगैरह की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो मेजोरिटी ऑफ द जो जनरल साइंस वगैरह का सिलेबस वगैरह रहता है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस के अलाउंड ही रिवॉल्व होता है तो आपको उसमें बहुत अच्छी खासी आपको हेल्प मिल जाती है राइट चलिए अब कोर्स के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम समझ लेते हैं कोर्स का लेवल है बच्चों अंडर ग्रेजुएट द सिंपली मीन्स ट्वेल्थ के बाद आप ये कोर्स करते हैं तीन साल की ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है एलिजिबिलिटी की बात करें तो 50 परसेंट मार्क्स अगर आपके ट्वेल्थ में हैं तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल रहते हैं एडमिशन प्रोसेस ज़्यादातर कॉलेजेस में मेरिट बेस्ड रहता है दैट मींस ट्वेल्थ की परसेंटेज के बेसिस पर आपका एडमिशन होता है सो so अगर आप बी ए पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं अच्छे कॉलेज से करना चाहते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं सो so आपको एम करना पड़ेगा 85 प्लस 90 प्लस परसेंटेज इन योर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड राइट आगे बात करें एवरेज फीस की तो बच्चों डिपेंड करता है वेदर यू आर टेकिंग द एडमिशन इन अ गवर्नमेंट कॉलेज और अ प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेजेस में आ, फाइव थाउजेंड टेन थाउजेंड पर सेमेस्टर के हिसाब से आपसे चार्ज होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करेंगे तो वन लैख पर ईयर भी आपका लग सकता है थ्री लैख के नियर अमाउंट में आपका कोर्स कंप्लीट हो सकता है वहीं गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेस देन फिफ्टी थाउजेंड में भी आपका बी ए पॉलिटिकल साइंस कम्प्लीट हो जाता है सोल्ली डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना काफ़ी टफ़ होता है कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा होता है इसलिए हर एक बच्चा गवर्नमेंट कॉलेजेस एडमिशन नहीं ले पाता है देयर फोर टू ऑप्ट फॉर अ प्राइवेट कॉलेज यस और नो चलिए जी आगे देखते हैं एवरेज स्टार्टिंग सैलरी की अगर हम बात करें जैसे ही बीए पॉलिटिकल साइंस आपका कंप्लीट होता है जॉब मार्केट में जब आप एंट्री लेते हैं तो समवेयर अराउंड टेन टू फिफ्टीन थाउजेंड से लेकर थर्टी थाउजेंड पर मंथ तक आपकी सैलरी रह सकती है जैसे जैसे आपको अपने काम में एक्सपर्टीज आती रहेगी आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा आपकी सैलरी भी इंक्रीज होते रहेगी राइट इनिशियल वे में सैलरी थोड़ी कम रहेगी या फिर अगर आप ज़्यादा सैलरी चाहते हैं तो आपको हायर जो स्टडी ऑप्शन है या जो आपको मास्टर्स कोर्स हैं वो करने पड़ेंगे वो कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में राइट चलिए आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा सा ब्रीफ जाते हैं थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ देखिए क्लास ट्वेल्थ कंप्लीट होना ज़रूरी है मिनिमम फिफ्टी आपकी होनी चाहिए एक और चीज सिर्फ आर्ट्स वाले ही ये कोर्स नहीं कर सकते हैं साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे भी बीए पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट कर सकते हैं यहां तक क्लियर है बच्चों चलिए सिलेबस की बात करेंगे सो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यहां पर सब्जेक्ट मैंने आपको मेंशन कर रखे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको पढ़ाया क्या जाएगा अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी है इंट्रोडक्शन टू कंपेरिटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है प्रस्पेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है प्रस्पेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलासोफी है मॉडर्न इंडिया पॉलिटिकल थाट है 95 फाइव परसेंटेज ऑफ योर कोर्स जो है सिलेबस जो है थ्योरिटिकल नेचर का होता है होता है सो बेटर प्रिपेयर फॉर दैट बच्चों राइट पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कम्पेरेटिव प्रस्पेक्टिव पब्लिक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया ग्लोबल पॉलिटिक्स है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलासोफी है इंडियन पॉलिटिकल थाट्स है राइट right? तो जितने भी पॉलिटिकल पार्ट हैं किसी भी कंट्री के वो सब कुछ यहाँ पर डिस्कशन कराए जाते हैं आपको राइट right? कॉलेजेस की बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने टॉप टेन कॉलेजेस ले रखे हैं इंडिया के जहाँ पर आप बीए पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली रामजस कॉलेज दिल्ली एथिराज कॉलेज चेन्नई रामनारायण नारायण ऑटोनोमियस कॉलेज हमारा मुंबई में है सेंट एल्बर्ट कॉलेज हमारा कोचिन हिंद कॉलेज मुंबई सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई किशनचंद चेलाराम कॉलेज मुंबई सेंट एंड्रूस कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स मुंबई क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हमारी बैंगलोर में है सो so ये टॉप टेन कॉलेजेस हैं बीए पॉलिटिकल साइंस में जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं सम ऑफ़ देम एंट्रेंस भी लेते हैं जिसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ता है बेसिक लेवल का एंट्रेंस होता है उसको क्रैक कर कर आपका एडमिशन होता है नहीं तो रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो हैं अपना आ, जो एडमिशन है वो ट्वेल्थ की परसेंटेज के बेसिस पे देते हैं सो so, एडमिशन से पहले हमें इन सब रेस्पेक्टिव कॉलेजेस की वेबसाइट चेक करनी है वेबसाइट में सारी डिटेल रहती है कि ये एडमिशन कैसे देते हैं वेदर दे आर ऑफरिंग थ्रू मेरिट बेसिस एंट्रेंस बेसिस सिलेबस क्या है फीस क्या है लोकेशन क्या है डेट क्या है टाइम क्या है सब कुछ आपको डिटेल जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी सो so, एडमिशन से पहले हाईली हाईली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना ना भूलें राइन अब आते हैं हम हायर स्टडी ऑप्शन क्या है जो बच्चे बी ए पॉलिटिकल साइंस के बाद आगे भी पढ़ना चाहते हैं उनके पास देखिए आप बी ए पोलिटिकल साइंस के बाद एम ए कर सकते हैं दो साल का अपना पोलिटिकल साइंस में ही या फिर एम ए इंटरनेशनल रिलेशन्स में भी आप कर सकते हैं ये दो कोर्सेज़ आपको एम ए में बेस्ट सूट करेगा पोलिटिकल साइंस में आगे अपना कैरियर बनाने में एल एल बी का बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है बच्चों बी ए के बाद आप तीन साल का एल एल बी कर सकते हैं अगर आपको लॉ लाइन में इंटरेस्ट है क्योंकि पॉलिटिकल कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम और लीगल सिस्टम के नॉलेज अगर आप अवेयरनेस रह जाती है तो आप एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं कॉपरेट लॉयर बन सकते हैं हैं या फिर सोसाइटी के लिए वर्क कर सकते हैं एमबीए कर सकते हैं मैनेजमेंट लाइन में या फिर आपको पीजीडीएम सिमिलर कोर्स है एक डिग्री कोर्स है एक डिप्लोमा कोर्स है दोनों में ही मैनेजमेंट का जो एसेंस है उस पर ज़्यादा फोकस करा जाता है अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आप बी कर सकते हैं या फिर कॉलेज वगैरह में पढ़ाना है तो आपको मास्टर्स uh, के बाद एम के बाद यू नेट एग्जामिनेशन आप क्रैक कर कर कॉलेजेस में एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप पढ़ा सकते हैं राइट चलिए आगे बात करें एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ की बात करें बच्चों अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो जॉब कौन कौन सी अवेलेबल है कौन कौन से सेक्टर में अवेलेबल है वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं देखिए साइंस के जो सेक्टर हैं आप वहाँ पर अपना कैरियर बना सकते हैं एजुकेशन सेक्टर है यू है पॉलिटिक्स है पुलिस वगैरह लाइन है उसके थ्रू भी आप एंट्रेंस क्रैक करके कर जा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन लाइन है बिजनेस है बैंकिंग लाइन है लॉ की लाइन है फाइनेंस की लाइन है कंसल्टेशन की लाइन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लाइन है जहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो एज अ प्रोफेसर अगर टीचिंग लाइन में अगर आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉर यू नेट उसके बाद आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर देन प्रोफेसर बन सकते हैं पी आर ऑब्वियससी लाइन है आपके लिए पब्लिक रिलेशन आप ऑफिसर बन सकते हैं लीगल असिस्टेंट बन सकते हैं एल करने के बाद पॉलिटिकल एडवाइजर आप बन सकते हैं एम पॉलिटिकल साइंस या फिर एम इंटरनेशनल रिलेशन करने के बाद कम्युनिटी सर्विस मैनेजर बन सकते हैं वेलफेयर ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर बन सकते हैं जहां पर आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन प्रोवाइड करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू या फिर अपना प्रिंट मीडिया के थ्रू सिटी हाउसिंग एडमिनिस्ट्रेटर आई ऑफिसर आई ऑफिसर ये दोनों ही यूपीएससी में रैंक्स हैं जो कि आप यूपीएससी क्रैक कर कर आपको मिल सकती हैं एज अ रिसर्चर भी आप वर्क कर सकते हैं अगर आपको रिसर्च फील्ड में अपना कैरियर बनाना है सो बच्चों ये वेरियस कैरियर ऑप्शन अवेलेबल हैं पॉलिटिकल साइंस लाइन में अगर आप इस लाइन को चूज करते हैं राइट आई होप सो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके सामने मैंने रखी है आपके समझ में आ गई होगी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपके और जो इंफॉर्मेशन है वो दिमाग में आपके फिक्स हो जाए लंबे समय तक आप याद रखें उस इंफॉर्मेशन को और सही डिसीजन लेने में आपको मदद करे राइट बच्चों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके पसंद आएगा वीडियो कैसा लगा प्लीज 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 प्लीज, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं आपका सजेशन का मैं वेट करूंगा ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पे रेगुलर आते रहते हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नोटिफिकेशन बेल को हिट कर आप क्लिक कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर गुड बाय पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा थैंक यू सो मच